right. So Gardens by the Bay. आज मैंने टिकट ले लिया अभी और आज क्लाउड फॉरेस्ट भी खुला हुआ है और फ्लावर डोम भी खुला हुआ है. तो अभी तकरीबन 5 बजे हैं, तो 2 घंटे मैं ये दोनों गार्डन्स एक्सप्लोर करूँगा. उसके बाद सनसेट के बाद तकरीबन 7:30 बजे लाइट्स ऑन होंगी और उसमें फिर रात में एक अलग व्यू आता है इसका. तो लेट्स सी हाउ इट गोस. तो टिकट मैंने ले लिया अभी, तो अब मैं जा रहा हूँ उस तरफ. Alright, so Cloud Forest is the one where I should go first. Flower Dome पे काफ़ी रश लगा हुआ है, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं और इधर कम लोग जा रहे हैं. Cloud Forest. ये भी एक लैंडमार्क है यहाँ का. सो आई वॉन्ट टू डू इट प्रॉपरली, यू नो. क्लाउड फॉरेस्ट. कार्ड स्कैन करना पड़ेगा. इट्स लाइक दिस. वो यहाँ तो एयर कंडीशनिंग ऑन है, यहाँ तो सर्दी लग रही है. अंदर आके माहौल ही कुछ और बना हुआ है यहाँ तो. ओह माय गॉड, इट्स अमेजिंग. वेलकम टू द कूल मिस्टीरियस क्लाउड फॉरेस्ट. लुक एट दिस. So there is a reason why it's very popular all over the world, and you can see that this is the reason. Look at this beast.
Looks real. यहाँ पे लोग तस्वीरें ले रहे हैं दुनिया से बेखबर आगे पीछे देखे बगैर खुद को एडजस्ट करते हैं यहाँ और अजीब सी चीज़ है कुछ पता नहीं होता सेल्फी लेने में और पिक्चर्स लेने में इतने मसरूफ़ होते हैं दुनिया जहान से बेखबर इसीलिए अक्सर जगहों पे इंसिडेंट होते हैं कि लोग कभी क्लिफ से गिर जाते हैं कभी कहीं पिक्चर्स के लिए और पिक्चर्स वो उन चीज़ों की ले रहे हैं जो गूगल पे ऑलरेडी मिलियंस एंड मिलियंस की क्वांटिटी में अवेलेबल है सो डजंट मेक एनी सेंस टू मी लुक एट दिस और मुझे जाना है वहाँ ऊपर और उस पर बेसिकली वॉक होनी है अभी ये अभी डे व्यू है अभी रात में इसमें लाइट्स भी ऑन होंगी Alright, it's great. So ये अभी क्लाउड फॉरेस्ट है ऊपर जाके ज़्यादा मज़ा आएगा यहाँ की नस्बत जहाँ लोगों को पौधे नज़र आए और लोगों ने तस्वीरें खिंचाना शुरू कर दी विदाउट इवन नोइंग के किसी मॉल में चले जाएं ये इनको पौधे मिल जाएंगे तस्वीरें खिंचवा लें Idiots. अच्छा ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है ये मॉइस्ट यहाँ पे as you can see, ये हॉट स्प्रिंग का इन्होंने दिया हुआ है लिफ्ट से हम ऊपर आए अभी और वन लेवल अप आ गए ऊपर जाना है इसे यहाँ तो और ठंडक बढ़ गई समझ में ये नहीं आ रहा कितने बड़ी एरिया को इन्होंने एयर कंडीशन कैसे किया है Thank you.
我看了也好看嘛。 Very much like Universal Studio kind of setup. लोग पागल हुए हैं पिक्चर्स बनाने में इस वक्त. और क्लाउड वॉक स्टार्ट होती है यहाँ से. कितने खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है. नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं. आई थिंक दैट वाज हाईएस्ट वी हैव. इतना बड़ा नहीं है जितना मैं सोच रहा था. ऐसा नहीं है कि कोई एक घंटा लगेगा इसमें. अच्छा, बहुत खूबसूरत बना हुआ है. और सामने वो यूनिवर्सल स्टूडियो जहाँ पे मैं कल गया हुआ था. यू कैन सी बहुत ज़बरदस्त है. ये नीचे वेव्स
मसला यहाँ पे ये हो गया है कि ये लोग इसको यूज़ कर रहे हैं टिकट को। अगर मैं यहाँ पे एग्ज़िट करता हूँ तो फिर मैं दोबारा अंदर नहीं आ सकूँगा आफ्टर सनसेट, और अगर मैं अभी एग्ज़िट नहीं करता हूँ तो मैं फ़्लावर डोम को देख नहीं पाऊँगा सनसेट से पहले। सो इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन, लेट्स सी हाउ इट गोस। ऑलराइट, सो गुड न्यूज़ ये है कि ये कह रहे हैं कि जब एग्ज़िट पे जाएंगे तो वहाँ ये स्टैंप लगा देंगे हाथ पे, जिसके बाद मैं दोबारा जा सकूँगा अंदर आफ्टर सनसेट। तो अभी मैं फ़्लावर डोम पे जाऊँगा, और इसको कह रहे हैं ये क्रिस्टल माउंटेन, ये कुछ इन्होंने क्राफ्ट्स बनाए हुए। यहाँ से मैं आया हूँ नीचे, और अब जाते हैं वाटरफॉल व्यू की तरफ, क्रिस्टल माउंटेन वाटर व्यू एंड देन द वे आउट। वाटरफॉल, पानी ऊपर से फेंक रहे हैं और वो वाटरफॉल बन रही है नीचे। अनबिलीवेबल, दुबई और सिंगापुर में कुछ भी हो सकता है, दे डू एवरीथिंग टू सर्वाइव द टूरिज्म। और आप देख सकते हैं ये है वाटरफॉल। समथिंग एल्स, फ्लावर डोम एज वेल। अभी जा रहे हैं हम क्रिस्टल माउंटेन पे, लेट्स सी क्रिस्टल माउंटेन में क्या होता है। ट्री टॉप वॉक, ओके। हाँ, सो हम नीचे इन पे आ रहे हैं। ओहो, बर्ड्स का साउंड भी इन्होंने डाला हुआ है यहाँ, ताकि आपको फील हो कि आपको इसी रेनिंग फॉरेस्ट के अंदर आए हैं। सो लेट्स सी, देखते हैं कि ट्री टॉप वॉक क्या है। ये साउंड स्पीकर में से आ रहा है, नॉट रियल बर्ड्स। ऑलराइट, इसको ये कह रहे हैं ट्री टॉप वॉक। सो लेट्स सी ये ट्री टॉप वॉक क्या है। वहाँ ऊपर से हम लोग आए हैं नीचे, हम देख सकते हैं।
ऑलराइट, अब हम जा रहे हैं एग्ज़िट की तरफ, बढ़ रहे हैं बेसिकली। नथिंग स्पेशल हियर, जस्ट एग्ज़िट की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये खयाकिंग हो रही है यहाँ पे। हम एग्जिट की तरफ बढ़ते हुए और यहाँ पे आई गेस क्लाउड फॉरेस्ट का एंड हो रहा है। दोबारा उधर आ गए हैं क्रिस्टल माउंटेन पे। गैलरी बनाई हुई इन्होंने, कैमरा मेरा जो है ये लाइट में ज़्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है इसे। और इनका अपना थिएटर भी है यहाँ पे। एग्ज़िट पे भी स्टैंप लगेगी और उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा। अब मैं जाके फ्लावर डोम पे रुकूँगा। ये हो रहा है थिएटर में। अभी तक हम क्लाउड फॉरेस्ट से बाहर ही निकल रहे हैं। बाहर निकलते निकलते भी पता नहीं क्या क्या आ रहा है। सीक्रेट गार्डन भी है। चलो पूरा पैसा वसूल है यहाँ टिकट का। ऑलराइट, सही है। ये सीक्रेट गार्डन है इनका और दिस इज़ अमेजिंग। बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये तो। वाह, खुशबू है जो मॉइस्चर है इस वक्त एयर में बहुत आला है। As you can see, it's just like a raining forest in California, जहाँ पे lush green field होती है और moist होता है।
As usual, Singapore में आ पाए और शेर का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता. वही तो बहुत बड़ा है क्लाउड फॉरेस्ट. काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्डिंग हो गई इससे, वीडियो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. और ये सीक्रेट गार्डन भी शुरू हुआ है, सीक्रेट गार्डन भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा. ओ माय गॉड, लुक एट दिस ब्यूटी. एयर कंडीशनिंग यहाँ से ही उन्होंने ऑन की हुई है. So as usual, our forest snake is snake. ओह बहुत कुछ है यहाँ तो. सब आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत आउटस्टैंडिंग है. और पीने का पानी, वॉशरूम्स. और ये हम एक्सिट कर रहे हैं. वे आउट. क्लाउड फॉरेस्ट हमारा यहाँ पे अख्तितम हो रहा है. री एंट्री स्टैम्प हमारी राइट साइड पे लगेगी. और एज़ यूजुअल हर एक्टिविटी के बाद उसका अपना एक स्टोर जो यहाँ का एक ट्रेंड है. कल यूनिवर्सल स्टूडियो में भी हमने ये देखा था. ओह माय गॉड, क्लाउड फॉरेस्ट. तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, आई थिंक मैंने एक घंटे से ज़्यादा ले लिया शायद. यहाँ अपनी क्लॉक चेक करनी पड़ेगी मुझे. सो नाउ आई हैव टू रश टू द फ्लावर डोम और वहाँ पर मुझे रुकना है सनसेट तक, और सनसेट के बाद व्यू देख के
ये मेरी स्टैम्प लग गई है और ये मुझे वापस अंदर जाने की इजाज़त देगी जो मैं आफ्टर सनसेट देखूँगा। क्लाउड फॉरेस्ट गॉन। ओके, चीज़ें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाहर आते ही एक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा व्यू। आइसक्रीम वाले ने क्या क्या किया हुआ है। लेट्स गो टू द फ्लावर डोम नाउ और देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। लायन को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं ये लोग। हर जगह लायन ज़रूर होता है। तो हम अब जाएंगे फ्लावर डोम में। सो लेट्स डू इट। फ्लावर डोम राइट। फ्लावर डोम ऑटोमेटिक डोर। अगेन यहाँ भी काफ़ी ठंडक है। एयर कंडीशनिंग ऑन है। यहाँ मैं एंटर हो गए फ्लावर डोम में। एज यूजुअल जब पता ना हो तो हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो। और अब ये फ्लावर डोम आ गया है तो इधर देखते हैं क्या है। ये थोड़ा ड्राई सा लग रहा है, मोर लाइक ऑस्ट्रेलिया जहाँ पे ग्रीन भी है बट ड्राई, या टेक्सास मैक्सिको स्टाइल का। इसको शूट करना पड़ेगा फुल कैमरे पे। लेट्स डू इट। एज यूजुअल लेफ्ट साइड राइट साइड पे मेरे यूनिवर्सल स्टूडियो और सेंटोरा रिजोर्ट। हाँ, फ्लावर डोम तो बड़ा ही बोरिंग है, ये तो उजड़ा हुआ है सब। दिस इज़ नॉट व्हाट आई वाज लुकिंग आफ्टर। लेट्स सी आगे क्या कुछ इंटरेस्टिंग है या नहीं। ऊपर से एक व्यू है नीचे का।
ये देखें, ये कह रहे हैं कि सीरीज़ ऑफ पाइप्स हैं जिसमें कोल्ड वाटर जो है वो गुज़र रहा है, जिसकी वजह से हमें ठंडक महसूस हो रही है। Alright, it's time for a 360 view of the whole garden. ये तो खासा बोरिंग था। आई डोंट नो, वो जो चीज़ मैं देखना चाह रहा हूँ वो यहाँ नज़र नहीं आ रही। जो फ्लावर टाइप के बने हुए थे वो कहाँ हैं? थोड़ा बेहतर बंद हो जाता है। लाइट्स ऑन होना शुरू हो गई हैं, अब स्लोली लाइट्स ऑन हो रही हैं, तो लेट्स सी अब कैसा लगता है लाइट्स ऑन होने के बाद। अभी तक तो ये फ्लावर डोम काफ़ी बोरिंग लग रहा है, नथिंग इंटरेस्टिंग। यहाँ से मोती के फूलों जैसी ये खुशबू शुरू हुई है, कुछ मिलती जुलती, नॉट एग्जैक्टली मोती जैसी खुशबू है, इससे मिलती जुलती। अब आपको फील आ रही है कि क्या आप पौधों के बीच में। हाँ, मेरा हाथ बहुत हिल रहा है, अगर GoPro होता तो मेरा हाथ नहीं हिलता अभी। ओहो, $499 का लगा हुआ था कल सेल पे, इंडियन अंकल ने बेचने की मुझे बहुत कोशिश की लेकिन मैंने भी लिया नहीं। ओहो, अब तो ट्रिप ख़त्म हो गया तो आप क्या करेंगे ख़रीद के, यू नो। झाड़ियों की खुशबू आ रही है, जंगली झाड़ियों की। Thank you.
ये इन्होंने कैलिफोर्निया रेनिंग फॉरेस्ट की तरह बनाया। और ये इस तरह लश ग्रीन। Dear visitors, please be reminded that eating and drinking is not allowed in the conservatories. Kindly also do not touch the plants and flowers. We thank you for your cooperation and understanding. और इन्होंने हॉबिट होल्स भी बनाए हुए हैं, ये देखिए आप। कोशिश की है लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में ही है जो ओरिजिनल है, और उस जैसा और कोई मज़ा नहीं आता। ये इन्होंने बनाया हुआ है साउथ अमेरिका स्टाइल का, साउथ अमेरिका गार्डन कह रहे हैं इसे। आई डोंट थिंक इट लुक्स लाइक साउथ अमेरिकन गार्डन। ट्रीज बने हुए हैं, लुक्स मोर लाइक अ कैरेबियन आइलैंड। एनीवेज, सो अब मैं वेट कर रहा हूँ लाइट्स ऑन होने का। लाइट्स ऑन होती हैं तो देखते हैं यहाँ पे कुछ जान आती है इसमें या नहीं आती, वरना अदरवाइज़ तो बहुत बोरिंग है फ्लावर डोम। और फिर मैं उधर भी जाऊँगा क्लाउड फॉरेस्ट में लाइट्स ऑन होने के बाद। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़।